मॉर्निंग और आप देख रहे हैं लकी डी सी एनएस। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों ने फोड़े पटाखे, पार्टी बैठाई है। करंट लगने से एमपीपी का लाइन में झुलसा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमो छतरपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, एक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। दमो शहर में निकाली गई भव्य अक्षत कलश यात्रा। ये थी दमोह की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत सगौनी गांव में विद्युत का सुधार करते समय एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में लाइनमैन काफी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पटेरा स्वास्थ्य केंद्र घायल को ले जाया गया था, जहां से हालत गंभीर होने के चलते ड्यूटी रत डॉक्टर के द्वारा उसे दमोह रेफर किया गया। लाइनमैन का नाम बफाती खान है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि वह विद्युत मंडल में कार्यरत है, सगौनी गांव में लाइन का काम कर रहा था, तभी अचानक लाइन का करंट उसे लग गया। कैसे घटना हो गई? अब सर जानकारी नहीं, हमको पता नहीं। कहाँ गए थे, क्या करने गए थे आप? 4:30 बजे तो वापस पहुंचे हैं, उसके बाद गए हम 7:30 बजे देखे तो बस ध्यान नहीं। कहाँ के निवासी हैं? भवनपुरा। थाना कौन सा लगता है? अटेरा। सारक खान है उनका। हम लोग तो दमो के हैं, हम लोग गए थे हटा, वहाँ से बाबा सारक तो पता चला उनको करंट लगा, तो वहाँ से सीधे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, वहाँ से रेफर करवाया तो दमो ले आए। क्या काम करते हैं? ये एमपीवी में सर्विस करते हैं अपन को, जी मालूम है। तो करंट लगा है, क्या हुआ? करंट लगा है। अब जी बता रहा बड़ी लाइन का किस तरीके से लगा जी अपन को तो नहीं मालूम, इस पार्ट पे तो थे नहीं हम। हम तो सीधे हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ इनकी जी कंडीशन देखी तो वहाँ से हम लोग दम हो रहा। कहाँ की घटना बताई जा रही है, कहाँ की घटना है? जी भी नहीं मालूम। सगौनी बोल रहे जी, सगौनी कुंडलपुर के थोड़ा बर्रट के पास है, वहाँ की घटना बता रहे थे। अब चूंकि इनको याद भी नहीं है कुछ। आपके कौन है ये? ये भांजा है ये। संजय सरवरिया, लकी डी सी न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर नरसिंह चौकी अंतर्गत कोपरा पुल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर 108 वाहन से उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया है। घायल का नाम सरमन अहरवाल है। उसके बड़े भाई राजित अहरवाल के द्वारा बताया गया कि बाइक से वह दमोह अपने गांव परखेड़ा दुर्गादास जा रहे थे, तभी कोपरा पुल के पास कंटेनर ने टक्कर मार दी। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। भैया क्या नाम है इनका? राजन अहरवाल। कहाँ के हैं? बरखेड़ा दुर्गादास के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हो गया ये? ये दमोह से अपने गांव जा रहे थे, वो गाड़ी से जा रहे थे तो अचानक गाड़ी आने के कारण उनमें गाड़ी आके टकरा गई। कौन सी गाड़ी थी इनकी? इनकी गाड़ी टू व्हीलर थी। और काय में गले हैं ये? कंटेनर। कहाँ की घटना ये पूरी? ये कोपरा के साइड की। अभी कहाँ है ये भर्ती? दमोह हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने जबलपुर की बोल दी। आप कौन हैं इनके? छोटे भाई। क्या नाम आपका? सरमन अहरवाल। संजय सरवरी, लकी डी सी न्यूज, दफाओ। शादी समारोह में शामिल होकर एक युवक वापस अपनी बाइक से घर जा रहा था। जेरठ के पास ददुआहार जा रहा था कि बीच रास्ते में सामने से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की युवक को काफी गंभीर चोट पहुंची, उसे देर रात जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया कि वह अपनी साइड से जा रहा था, तभी अचानक से तेज रफ्तार बाइक सवार सामने से आया और उसके द्वारा टक्कर मार दी गई। युवक का नाम लखन पिता गिरधारी सिंह है।
क्या नाम है आपका? अमरुल्लाह खान सर। क्या हो गया है? अरे नहीं जिंदा मुझे संगाली सदरा पंजाब से हम तो अपने बच्चे समझा रहे थे अभी यार बीच में हम तो अपना हमारे यहाँ बैठे थे हमारी पट्टी पर जा रही। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दमोह संगाले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो? अपने घर दत्त बिहार जा रहे थे। तो घटना कहाँ पे घटी है? यहाँ पुल के थोड़ी यहाँ यहाँ पुल जाके देखा था। किस पुल कहाँ? पुल कजाटी घाट का पुल। कहाँ गए आप दादा? हम जी लट के हैं दत्त का हार मर गया था। और किसी भी घायल हुआ इसमें? कोई कुछ नहीं साथ अब भी लाए तो गाड़ी में भी घायल हो गया। कैसे हो गया तो एक्सीडेंट? गाड़ी गाड़ी में गाड़ी गिर गई। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। बीती रात एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। बताया जाता है युवक मोहरा थाना तेजगढ़ का रहने वाला है। युवक का नाम पप्पू बता सैमर अहरवाल है। उम्र 35 वर्ष है। गेहूं में डालने वाली दवाई का सेवन किया गया ऐसा बताया जा रहा है। परिवार के लोग घर पर नहीं थे। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? दीरान। क्या हो गया इनको? भाई ने दवाई पी ली। क्यों पी ली उन्होंने दवाई? क्या मालूम भाई, हम तो रिश्तेदारी में जा रहे हैं। कहाँ पर पी है दवाई? घर पर, मोहरा, घर मोहरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मोहरा। अच्छा, तो आप कहाँ पर थे? कोई मालूम नहीं है किस बात को लेकर दवाई पी है? कौन है आपके? नाम क्या है उनका? पप्पू। कहाँ पर पी है दवाई? घर नीचे। कौन सी दवाई पी है? संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काफी बड़ी हार मिली है जिसके बाद कांग्रेस में बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार, विधानसभा में कांग्रेस की ओर से उपनेता हेमंत कटारे को बनाया गया है। नव नियुक्त पदाधिकारी दिल्ली में है। लगातार उनके द्वारा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की जा रही है। वहीं दमोह के घंटाघर पर कांग्रेसियों के द्वारा फटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण करने के साथ जश्न मनाया गया। आज हमारे प्रदेश के नए लोक अध्यक्ष किया गया हम पुरस्कार का वातावरण हूँ कांग्रेस के लिए और एक युवा हाथ में कमान सौंपी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जब खड़े जी ने इस पर कांग्रेस की नई ऊर्जा प्रदान होगी और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है। वो एक युवा नेता है, पहले युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संघर्ष करने वाले नेता हैं। ऐसे नेता को इस समय कांग्रेस पार्टी ने कमान सौंपी है। इसके साथ साथ श्री उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे जी को उप नेता बनाया गया है। उसके लिए हम तीनों नए जो युवा साथी बने हैं उनको दमोह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई के साथियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनके नेतृत्व में हम लोग एक अच्छा संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी के लिए और जीतू भाई एक मध्य प्रदेश में नई टीम खड़ी करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का दिल्ली के राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश का युवा हमारे का कमान दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के रूप में हमें जीतू पटवारी को कार्य करना है
एक ऐसा नेतृत्व जो किसानों की मांग को लेकर और रोडों पर सड़कों पर संसद तक विधानसभा में बैठता है और किसान व्यापारियों की आवाज, युवाओं की आवाज उठाने के लिए सक्षम है और हम सबकी युवाओं की आवाज उठाने के लिए जीतू पटवारी को भेजा है मध्य प्रदेश में। उनका शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन, मनु मिश्रा, राशु चौहान, प्रशांत शर्मा के अलावा कल्याण जैन, मंजीत यादव के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज, दमोह। दमोह में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से यह कलश यात्रा गुजरी। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनों ने इसमें शामिल रहा। दमोह के साथ हटा में भी अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर लगातार संपूर्ण देश में इसी तरह से अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही है। सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। दमोह के हटा में भी यात्रा निकाली गई। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष में ये अक्षत कलश यात्रा जो कि अयोध्या से निकाले आए हैं अक्षत कलश, और वो हर शहर गांव गांव जा रहे हैं, हर मंदिरों में अभी ये अक्षत कलश रखने के लिए हम लोग गए हैं। फिर इसके बाद इन्हीं अक्षत का पूरे शहर में वितरण होगा और घर घर पहुँचाए जाएंगे। साथ ही वहाँ से आई हुई राम जी की एक फ़ोटो और आमंत्रण पत्र सभी को दिया जाएगा। जय जय श्री राम। क्या नाम लिखते हैं आप जी? क्या नाम लिखते हैं आप अपना? पवन राजपूत। हटा से अर्शद बंटी पठान की रिपोर्ट। दमोह के तहसील ग्राउंड पर ऐतिहासिक बुंदेली जलवा महोत्सव 2023 होने जा रहा है। 19 दिसंबर शाम 4 बजे ये भव्य आयोजन होगा। SMS सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप तमाम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से कलश, GTV एवं स्टार प्लस के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो लगातार दिखाएंगे आपको अपनी कला के जलवे। खास बात है कि सिर्फ एक दिवसीय आयोजन होगा। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह भव्य आयोजन होगा। आप सभी से हम उपस्थिति की अपील करते हैं। तहसील मड़ियादो अंतर्गत ग्राम पंचायत बछावा के ग्राम उदयपुर में अरहर के खेतों में खड़ी आधा दर्जन किसानों की फसल में अचानक आग लगने से करीब 40 एकड़ में पककर तैयार अरहर की फसल स्वाहा हो गई है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही कि फसल के साथ चारे में भी फैली आग ने उग्र रूप ले लिया, जिसकी चपेट में ही फसल जलकर खाक हो गई है।
आग लगने की सूचना पर किसान मौके पर पहुंचे, लेकिन संसाधनों के अभाव में आग बुझाने की कोशिशें बेकार साबित हुईं। आग लगने से बालचंद आदिवासी की 15 से 20 एकड़, तीरथ आदिवासी की 6 एकड़, हिराम आदिवासी की 5 एकड़, बलुआ आदिवासी की 4 एकड़, रामलाल की 7 एकड़ सहित कुछ अन्य किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना हटा तहसीलदार शिवराम चरार को भी गई, पटवारी को भी मौके पर भेजने और सर्वे के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। हुआ बताइए, फसल जल गई। कितनी फसल जल गई? 30-35 एकड़। क्या चाहती हैं आप? सब जाने मुआवजा दे। क्या नाम है आपका? सूरज रानी। सरपंच है आप यहाँ? हाँ, बसामा पंचायत। कितने इलाके में गई है? चरवा दिखा रहा है, लगभग है 30 एकड़ के में नुकसान भाव है। जा इतनी इस तरफ से पूरी दिख रही है। यहाँ पर कोई रुका भी था रात में? हाँ, रात में रुके थे, लेकिन आग ही तो लगी है, करीबन 2 बजे है, 4 बजे दिन की बात है ना। हाँ, क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब हम जो ही चाहत के अगर मिल जाए मुआवजा तो ठीक है, नहीं तो बाल बच्चन का कोई सेजो नहीं है। और जैसे मोदी जी हैं, विधायक हैं, जे कछु दिबवा देवे तो ठीक कहा हो। अच्छा, आप विधायिका जी से कहना चाहते कि मुआवजा दे? वो चाहते कि कछु दिबवा दें तो वन बाल बच्चे पल जावे, नहीं तर तो कहा है कछु नहीं है, सब डांडे में होगा। पूरी साल भर की फसल थी? पूरी साल भर की फसल हती, और कछु हतो ही नहीं बिबोइया, कछु जाई भर तो हती वो पूंजी, यही पूंजी हती, अब यही में आग ही लग गई, अपने बच्चों कहा कछ। मड़िया दसी यूसुफ पठान की रिपोर्ट। हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरी खुर्द में एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त की गई। परिवार के लोग काफी दुखद हैं। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची, सबको पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। युवक का नाम ब्रजेश साहू, पिता मुन्ना लाल साहू, उम्र 30 वर्ष, जो कि बोरी खुर्द का रहने वाला है। अनाज का व्यापार करता था, साथ ही शराब का आदि था। परिवार के लोग भी काफी परेशान रहते थे, घर में काफी उत्पात मचाता था, जिससे तंग आकर मृतक के माता पिता हटा नगर के नवोदय वार्ड ककराई में किराए के मकान में रहते थे। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश। क्या हो गया है? ब्रजेश ने फांसी लगा ली। कौन है ब्रजेश आपके? साला। काहे से लगाई है फांसी? अब जे हमको नहीं मालूम। आपको कैसे सूचना मिली? हम तो आए तो के बार खोले, हमने माने खड़खड़ाए तो खोले नहीं, के बाद तो हम सोच रहे पलका पर आए, ऐसा कैसा पर आए, हमने घर सूचना दे दी कि उठ नहीं रहे। ये पता है आपको कि किस क्यों फांसी लगाई उसने? नहीं, हमको नहीं मालूम। पुलिस को सूचना दी? कोई नहीं। नहीं, युवक ने फांसी लगाई, क्या कारण है? आज हमें ब्रजेश साहू, पिता मुन्ना साहू के संबंध में सूचना मिली थी कि उसने अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। संभवतः ये एक दिन या दो दिन पहले का हो सकता है। इस संबंध में जांच करने के लिए हमारी पुलिस टीम गई हुई है, और जाँच करने के बाद हम बाकी सभी चीज़ें बता पाएंगे। क्या उम्र थी सर युवक की? इसकी 30 साल उम्र थी। हटा से अर्शद बंटी पठान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर समाचारों पर। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाइयां। करंट लगने से एमपीपी का लाइन में झुलसा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, एक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह शहर में निकाली गई भव्य अक्षत कलश यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हम इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार।
जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आप पे अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आप की चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप, मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनुराशि। धनुराशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।